वेलकम बैक फ्रॉम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एजुकेशन हब। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक रेंज एक्सटेंशन ऑफ पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, यानी कैसे हम किसी पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट के रेंज को मैं एक्सटेंड कर सकूँ, या मीटर हो या वोल्टमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ रेंज एक्सटेंशन के रिगार्ड। ये रहा मीटर और इसको इस लोड के यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, लेकिन जब भी रेंज को एक्सटेंड करना है, यानी इस एमीटर की रेटिंग अगर 5 एम्पियर की होगी, पहले भी मैंने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत जब इसका एडवांटेज पीएमसी का मैं बताया था, तो अगर एमीटर की रेटिंग 5 एम्पियर है लेकिन इसी एमीटर के रेंज को अब 5 के बजाय 10 एम्पियर को रेटिंग को मेजर करना है, तो ये एमीटर तो नहीं एक्सटेंड रीड किया जा सकता, इस एमीटर तो कभी वैलिड नहीं है। लेकिन हाँ, रेंज एक्सटेंशन किया जा सकता है इस एमीटर का, जिसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इसके संट में यानी पैरेलल में एक रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। अब किसी को कन्फ्यूजन होगा कि अगर किसी लोड के रेजिस्टेंस के इस लोड के रेजिस्टेंस के करंट को मेजर करना है तो एमीटर में जो करंट जाएगा वही रीडिंग लेगा, तो फिर बाईपास होने वाला करंट का तो कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। लेकिन आप ध्यान से देखें, इसीलिए रेंज एक्सटेंशन में क्या होता है, जो ये एमीटर जो भी रीडिंग लेता है अमीटर जो भी रीडिंग लेता है उसमें एक मल्टीप्लायर एम से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी वो रीडिंग देता है कि एग्जैक्ट वैल्यू कितना रीड कर रहा है हमारा अमीटर, इसीलिए बाईपास कराया जाता है। बाईपास के लिए कई करंट के टर्म में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होते हैं इसके, और रेजिस्टेंस के दोनों कंडीशन में निकाल सकता हूँ इसका। तो रेंज एक्सटेंशन ऑफ पीएमसी अमीटर के लिए रिगार्डिंग यहाँ पे देखता हूँ। तो मैंने जब इसको रेंज एक्सटेंड करना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है संट का में एक रेजिस्टेंस, आपको पहले भी बताया गया था संट में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि पीएमएमसी जब लगा हुआ है यहाँ पे, पीएमसी जब यहाँ पे लगा हुआ है, टोटल करंट इसमें जाने वाला करंट है आई, और लोड को भी टोटल करंट मिल रहा है यहाँ पे आई, ठीक है। लेकिन जब हमने रेंज को एक्सटेंड करा तो संट में ये जो रेजिस्टेंस आरएसएच लगा, तो यहाँ से करंट बाईपास हो गया, यानी करंट दो भागों में टोटल करंट डिवाइड हो रहा है, एक तो मेन करंट जो एमीटर से इस एमीटर से होके गुजर रहा है और दूसरा आरएसएच जो होके गुजर रहा है। इन कंडीशन में अगर मुझे निकालना है कि रेंज एक्सटेंशन के लिए मल्टीप्लायर कितना मल्टीप्लाई, जैसे पीएमसी जो रीड किया उसमें मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो तो सिर्फ उसी वैल्यू को रीड करेगा जितना उससे आईएम फ्लो कर रहा है, तो इसके लिए उस मल्टीप्लायर का क्या वैल्यू होगा उसको अपन डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन चलते हैं, देखते हैं कि अगर स्टार्टिंग कंडीशन पे यहाँ पे पहले इस चीज़ को देखता हूँ, थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एम, ऑब्वियसली जो एमीटर का डिफ्लेक्शन होगा वो पहले जो आई एम का करंट जा रहा है पीएमसी होकर उसी का डिफ्लेक्शन होगा, ये बिफोर एक्सटेंशन की बात है जब हमने एक्सटेंड नहीं कराया एमीटर को। अगर हमने एक्सटेंड करना है तो ऑब्वियसली थीटा का डिफ्लेक्शन किसके करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, टोटल करंट के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, तो यानी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आफ्टर एक्सटेंशन होना चाहिए। तो इसी को हमने क्या किया है कि थीटा को ऐसे कंडीशन मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूँ आई बाई आई एम इंटू आई एम मल्टीप्लाई कर दिया, यानी दोनों कैंसिल आउट होके फिर आई ही दे रहा है, यानी इस चीज़ को अपन लिख सकता हूँ कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाई आई एम इंटू आई एम। अगर इन चीज़ों को देखें तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एम, यानी जो रीड करेगा थीटा आपका डिफ्लेक्शन होगा करंट का वो आई एम के करस्पॉन्डिंग, लेकिन एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे आ गया क्या एम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक करंट के टर्म तो आ गया जो रेशियो है टोटल आई बाय आई एम, एक तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ चुका अपने पास। नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ फॉर इसी रेंज एक्सटेंशन के लिए जो रेजिस्टेंस के टर्म के में उस मल्टीप्लायर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एक पैरेलल सर्किट है, अगर ये पैरेलल सर्किट है इस इनसाइड यहाँ पे बात करूँ तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है और इस मीटर का जो रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे भी, क्योंकि पैरेलल में आप सर्किट में जानते हो कि पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो आगे तो इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज सेम, ऑब्वियसली वेरी गुड, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप जब आते हो पीएमएमसी मीटर के लिए तो मीटर पीएमसी मीटर का जो वोल्टेज होगा वही संट रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो संट रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा वही पीएमसी का। तो आगे इसको क्या किया गया,
करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी मीटर का जो रेजिस्टेंस और मीटर का जो करंट जाएगा वो बराबर होगा, इस दोनों का ड्रॉप बराबर किससे होगा, शंट रेजिस्टेंस और शंट में जो करंट जाएगा। ऑब्वियसली इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी को आगे किया गया इन चीज़ों को। अब क्या किया गया, चूंकि आई एस यहाँ पे देखना, ये तो उसी को फॉर्मेट को नीचे लिख दिया गया, लेकिन आई एस एच क्या हो गया, दो भागों में बटा हुआ है। चूंकि आई एस एच क्या है, मेन टोटल जो करंट है एक सर्किट में आ रहा था, टोटल करंट आई, लेकिन इससे एक मीटर में चला गया आई एम और दूसरा कहाँ चला गया, आई एस एच। तो ऑब्वियसली आई एस एच जो होगा वो डिफरेंस होगा टोटल करंट माइनस इस मीटर का करंट में जो जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसी को लिख दिया गया यहाँ पे। फिर इसी को आगे कैलकुलेट करके ये मैथमेटिक्स आया है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर इसको अगर कैलकुलेट करते हो तो जो रेशियो आता है आई बाय आई एम, आपको पता है आई बाय आई एम आपको आपने पहले यहाँ देखा कि मल्टीप्लायर का है। आई बाय आई एम जो मल्टीप्लायर वो किसके टर्म में, रेजिस्टेंस के टर्म में आ गया, आर एम प्लस आर एस एच बाय आर एस एच। नेक्स्ट तो इसी को मैं कह सकता हूँ कि मीटर के लिए एक इक्वेशन आ गया रेजिस्टेंस के टर्म में मल्टीप्लायर का, वन प्लस आर एम बाय आर एस एच। यानी क्या हुआ, अगर मल्टीप्लायर को रेजिस्टेंस के टर्म में कभी पूछा जाता है तो आप नॉर्मल कहते हो एम इजकल टू वन प्लस आर एम जो मीटर का रेजिस्टेंस है बाय जो शंट रेजिस्टेंस आपने यूज़ करा है, ये रहा रेजिस्टेंस के टर्म में। दिस इज़ द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसे कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो उस आमीटर के रीडिंग में मल्टीप्लाई हो जाता है बार। तो इसी को हम बोलते हैं कि रेंज एक्सटेंशन। जो वोल्टमीटर सॉरी यहाँ पे आमीटर डिस्कस कर रहा हूँ, जो आमीटर अगर 5 एम्पियर की करंट को रेटिंग को रीड कर रहा था, अब वही आमीटर में रेंज एक्सटेंशन करके यानी संट में रेजिस्टेंस लगा के हम इसको हो सकता है 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 18 एम्पियर इस रेटिंग के भी करंट को मेजर करवा सकता हूँ बाय यूजिंग रेंज एक्सटेंशन। तो ये बेनिफिट हमारे लिए एडवांटेज होता है पीएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो आपसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में डायरेक्ट ही कि रेंज एक्सटेंशन आमीटर का अगर किया जाए तो जो हम रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं वो क्या उससे सीरीज़ में यूज़ करते हैं या पैरेलल में। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो संट के द्वारा बायपास किया जा रहा है करंट को, तो ऑब्वियसली पैरेलल में यूज किया जाएगा। ओके नाउ द टॉपिक इज रेंज पीएमएमसी रेंज एक्सटेंशन इन वोल्ट मीटर। अब पहले अमीटर तो हो चुका, अब वोल्ट मीटर के रेंज को कैसे एक्सटेंड करा जाए। तो ध्यान रहना चाहिए आपको कि वोल्ट मीटर के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए कोई मान सपोज दैट एक लोड रहिए रहा, तो वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ अपन लगाएंगे, पैरेलल में, लोड के पैरेलल में। लेकिन ये मान लो कि सपोज़ दैट ये रेजिस्टेंस इसका 10 किलो ओम के अक्रॉस इसका जो वोल्टेज आप मेजर करने आ रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस वोल्ट मीटर का भी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है 50 किलो ओम या 500 किलो ओम लगाया हुआ। लेकिन जब यहाँ पे इस लोड का वोल्टेज अब ज़्यादा मापने की ज़रूरत होगी, कहीं हो सकता है ऐसा लोड हो जहाँ पे आपको 50 किलो ओम के क्रॉस जो हायर वोल्टेज मेजर करना होगा, यहाँ पे हो सकता है 500 वोल्टेज का मेजर करना होगा और ये रेटिंग इस वोल्टमीटर का कम है, तो ऑब्वियसली मेरा टारगेट होगा कि इस वोल्टमीटर से कोई करंट ना पास हो जाए। टोटल करंट कहाँ से बाईपास हो, इस लोड से। ध्यान रहे टोटल करंट कहाँ से बाईपास होना चाहिए, इस लोड से, इस वोल्टमीटर से ना गुजर जाए। तो वोल्टमीटर से ना गुजरने के लिए आपको नॉर्मल क्या कंडीशन करना पड़ेगा, इस वोल्टेज वोल्टमीटर के सीरीज में ही एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा जिससे कि कोई भी करंट इस वोल्टमीटर से होकर बाईपास ना कर पाए। और अगर बाईपास नहीं करेगा तो अब ये रेंज के एक्सटेंड कर चुके हम, इसका मतलब यही हुआ कि अपन आप रेंज को एक्सटेंड कर दिया कि हायर वोल्टेज को भी अब यही वोल्टमीटर कैपेबल हो गया रीड करने के लिए, क्योंकि हमने इस वोल्टमीटर के सीरीज में हायर रेजिस्टेंस ऐड कर रखा है। वही कंडीशन आप देखें कि यहाँ पे एक सर्किट लिया हमने, इस सर्किट में सिर्फ अमीटर को यहाँ वोल्टमीटर को यहाँ पे दिखाया गया। वोल्टमीटर क्या कर रहा है, एक वोल्टमीटर है जिसको लोड को तो हमने नहीं दिखाया, पर यहाँ पे सपोज़ दैट अगर कोई लोड भी है, एक सेकेंड आपको दिखाऊँ मैं, सपोज़ दैट ये वोल्ट कोई लोड रेजिस्टिव लोड होता, ओके तो ये रेजिस्टिव लोड आर को के इसके वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक पीएमसी का वोल्टमीटर लिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर एम था। लेकिन अगर रेंज हाई करना है, यहाँ पे हायर वोल्टेज को मेजर करना है, तो इस वोल्टमीटर में, इस वोल्टमीटर के सेक्शन में एक हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एस सी यू जोड़ा। यहाँ पे आर एस सी वर्ड यूज़ किया गया क्योंकि वोल्टमीटर की सीरीज में जोड़ा गया है, इसीलिए हमने ये वर्ड किया। अब देखें इसको, चूंकि मल्टीप्लायर इसमें भी लाना है क्योंकि हमने ये वोल्टमीटर जो रीड करेगा वही वैल्यू नहीं देगा, इसमें भी कोई ना कोई टर्म ऐसे होंगे
जो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि ये जो मीटर अभी रीड कर रहा है ये अपने कोरस्पॉन्डिंग जो इसका रेजिस्टेंस उसके कोरस्पॉन्डिंग रीड कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पे एक्सटर्नल आपने ऐड किया रेजिस्टेंस तो इसमें भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लेक्शन आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे बिफोर एक्सटेंशन, अगर एक्सटेंशन आपने कुछ नहीं किया तो आपके पास मीटर था उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था, तो बिफोर एक्सटेंशन जो आपका डिफ्लेक्शन कोई मीटर देता है वो किसके अकॉर्डिंग, जो वोल्टेज वो रीड कर रहा है मीटर अपना, ये जैसे पीएमसी है यहाँ पे पीएमसी का रीडिंग उसके कॉरस्पॉन्डिंग ठीक थीटा का डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन आफ्टर एक्सटेंशन की बात करूँ तो अब जो थीटा का डिफ्लेक्शन होना चाहिए यानी मीटर का जो डिफ्लेक्शन होना चाहिए वो कुछ किस वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, टोटल वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, ना कि सिर्फ पीएमएमसी के वोल्ट मीटर के अक्रॉस होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखें ये अगर इसको वी के कॉरस्पॉन्डिंग होना है तो ये अभी वी को ऊपर रखा हमने, अब वी पीएमसी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों कैंसिल आउट हो गया यानी फिर भी वही मान रह गया, लेकिन चूंकि मीटर तो वी पीएमसी ही अभी रीड कर रहा है तो ऐसे कंडीशन के लिए हमने थीटा क्या किया, वी पीएमसी को रहने दिया यहाँ पे, और थीटा जो है आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, वी पी एम सी इंटू, अब ये मल्टीप्लायर वोल्टेज के टर्म में है, यहाँ पे आप देखें ये वोल्टेज के टर्म में उसको हमने बोला मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का एक डेफिनेशन तो कहाँ से आ गया, टोटल वोल्टेज बाय पी एम सी का जो वोल्टेज होगा उसका रेशियो भी मल्टीप्लायर है, जो वोल्ट मीटर रीड करेगा उसमें अगर ये एम मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू वोल्टेज का दे देगा। नेक्स्ट अगर मैं आता हूँ इसी टर्म को आगे देखने की, जो मल्टीप्लायर का टर्म होगा इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस कैसे आपको देना है, तो मल्टीप्लायर को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस देना है तो उसके लिए भी आप नॉर्मल तरीके से जाओ, यहाँ पे गिवन है आप देखें आपको पता है कि सीरीज में है करंट बराबर होगा, जो मीटर का करंट होगा वही सीरीज का करंट होगा, यानी जो मीटर से करंट बाईपास करेगा सीरीज में वही इससे पास करेगा ओबियसली। तो ऐसे कंडीशन में दोनों का करंट सेम होगा, ध्यान रहे ये मीटर है तो हमारा जो लोड होगा वो लोड कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा, लेकिन अपन मानते हैं कि अगर ये आइडियल नहीं है तो थोड़ा बहुत करंट यहाँ से बाईपास करेगा, तो ऑब्वियसली जो करंट इस मीटर से बाईपास करेगा वही इस सीरीज रेजिस्टेंस से जो एडिशनल हमने ऐड करा है उससे भी पास करेगा, यानी करंट ऐसे पास करेगा अगर थोड़ा बहुत करंट फ्लो कर रहा है तो। ये तो लोड है, यहाँ तो मेरा टारगेट है यहाँ से मैक्सिमम करंट फ्लो करे, तो इस कंडीशन में मैं देखता हूँ कि अगर दोनों को हमने बराबर कर दिया है तो मैं लिख सकता हूँ आई एम मीटर का करंट, तो यानी वी पी एम सी बाय उसी का रेजिस्टेंस, तो ये करंट दे देगा सेम उस संट सीरीज रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसका वोल्टेज बाय डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस, तो ये दोनों बराबर है। इसको फिर आप करते जाओ डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग करते जाओ और फाइनल आप जो देखोगे इसका जो एक्सप्रेशन आता है वो ये रहा, और ये कैसे आ रहा है, ये इसका रेशियो है, तो ये अपन जानते हैं एम मल्टीप्लायर वी वाई वी पी एम सी का होता है, और जो कि रेजिस्टेंस के टर्म में ये आया, तो यानी एम का जो फाइनल वैल्यू आपको आ रहा है वो क्या है, ये रहा 1 + RSC / RM। यहाँ ध्यान रखने का क्या है, जो सीरीज का जो रेजिस्टेंस के टर्म में मल्टीप्लायर का वैल्यू था 1 + मीटर का ही रेजिस्टेंस बाय संट रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से अगर देखें तो आप एम का जो वैल्यू है 1 + पहले संट में जो रेजिस्टेंस जुड़ा है वो वोल्ट मीटर में पहले वही आ चुका है, 1 + जो एक एडिशनल रेजिस्टेंस जोड़े हैं आप बाय मीटर का रेजिस्टेंस, तो बस यहाँ पे डिफरेंस ये है, ये इस बार पहले आ गया ये बाद में, ये सीरीज और संट का फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो यह ध्यान रखने की बात है आपको आपके लिए। और दूसरा मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, वो क्या है, ये रहा एम इजकल टू वी बाय वी पी एम एम सी। ओके फ्रेंड्स, ये तो रहा रिगार्डिंग रेंज एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर, इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बार बार आए जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, मल्टीप्लायर के रिगार्डिंग रेजिस्टेंस के टर्म में दे देता वैल्यू एम कैलकुलेट कीजिए, या फिर वोल्टेज के टर्म में दे देगा आपसे तो वोल्टेज के टर्म में देगा तो फिर एम कैलकुलेट कीजिए, तो काफ़ी तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने का, पूछा जाता है रेंज एक्सटेंशन, और पूछा जाएगा आपको वोल्ट मीटर में रेंज एक्सटेंशन करने के लिए वोल्ट मीटर के कहाँ पे आप रेजिस्टेंस एक्सटर्नल जोड़ते हो, तो वोल्ट मीटर के सीरीज़ में जोड़ते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक रिगार्डिंग एरर, क्योंकि एरर एक छोटा टॉपिक है इसका, तो उसके रिगार्डिंग मैं डिस्कस कर लेता हूँ। नो एरर इन पीएमसी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो तो उसमें इन कारणों से एरर जरूर हो सकते हैं, हो सकता है कि फ्रैक्शनल एरर हो, तो फ्रैक्शनल एरर होने के लिए यानी टॉर्क जो स्पेंडल पे जिस पे आपका
पॉइंटर होता है उसकी इतना ज़्यादा फ्रिक्शन हो कि मूव ना आसानी से कर सके, तो वो अगर होता है तो उसके कारण एरर हो सकता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, टॉर्क बाय वेट रेशियो शुड बी हाई, इसीलिए पीएमसी के इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क बाय वेट रेशियो ज़्यादा रखा जाता है ताकि एरर इनके कारण कोई भी क्रिएट ना हो, तो ये ध्यान रखने की है। तो आपसे पूछा जाता है पीएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क बाय वेट रेशियो क्या होता है, तो शुड बी हाई, बहुत ज़्यादा होता है रखा जाता है ताकि एरर का कोई फर्क ना पड़े। नेक्स्ट है टेम्परेचर। आपको पता है कि एक टेम्परेचर एक ऐसा सिस्टम है जो दुनिया के हर किसी सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो ओबियसली इंस्ट्रूमेंट को भी करेगा। तो टेम्परेचर की रिगार्डिंग यहाँ अगर आप देखते हो डिस्कस करते हो तो टेम्परेचर का इफेक्ट इंस्ट्रूमेंट पे पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो यूज़ करते हैं वायर वो स्वैंपिंग रजिस्टर, यानी जो आप इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो यूज किए जाते हैं रजिस्टर वो स्वैंपिंग रजिस्टर होते हैं जिस पे टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत कम नेग्लिजिबल होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो स्वैंपिंग रजिस्टर होता है ये पूछा जाता है कि किन किन का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये कॉपर और मैग्नीन का कॉम्बिनेशन होता है जिस पे टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत कम पड़ता है। इसलिए हम इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या बोल सकते हैं, स्वैंपिंग रजिस्टर यूज़ करते हैं जिससे कि टेम्परेचर का इफेक्ट ख़त्म हो सकता है पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में। नेक्स्ट है एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कारण एरर हो सकता है, लेकिन आप तो जानते हो पीएमसी किसके लिए यूज़ किया जाता है, डीसी के लिए, तो डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी जीरो, तो नो एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है हाइस्टेरेसिस एरर। हाइस्टेरेसिस आपको बहुत अच्छे से मशीन में पढ़ना है इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत यूज होता है वहाँ पे मशीन में, ट्रांसफार्मर हो या चाहे डीसी मशीन हो, हाइस्टेरेसिस के बारे में आपको बहुत अच्छे से वहाँ पर स्टडी करेंगे, या फिर मैं मशीन का लेक्चर कराऊंगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें हाइस्टेरेसिस क्या होता है, चूँकि हाइस्टेरेसिस के लिए यहाँ पर आप देखें चूँकि एलुमिनियम वायर यहाँ पे, और एलुमिनियम आपको पता था कि एलुमिनियम यूज़ किया गया था एलुमिनियम फॉर्मर कोर पे, तो एल्युमिनियम में जो है आपका इसका थिकनेस वगैरह बहुत कम होते हैं, तो लेस लूप बनाता है हाइस्टेरेसिस का। और जितना लूप का आपको पता होना चाहिए, किसी का हाइस्टेरेसिस लूप जितना छोटा होगा, ये एरिया जितना छोटा होगा, आपका जो हाइस्टेरेसिस लॉस वो डिपेंड करता है, लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लूप, लूप एरिया। एरिया अगर ज़्यादा रहा तो लॉस ज़्यादा होंगे, तो इसीलिए हमारा टारगेट होता है कि एरिया कम से कम हो, एरिया ऐसा ना हो कि ये इतना बड़ा एरिया बना दे ये बी एच कर्व। जितना ज़्यादा एरिया बनाएगा बी एच कर्व में लॉसेस उतने ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं कि एरिया को कम से कम करने की कोशिश करने के लिए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। कई भी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है जब छोटे रेटिंग के लिए यूज़ करते हो तो उसके फील्ड बहुत कमज़ोर होते हैं, और कमज़ोर होते हैं कि कमज़ोर को कोई अदर एक्सटर्नल वायर कोई कहीं से जा रहा हो जिसमें हैवी करंट हो तो उसका फील्ड इफेक्ट कर सकता है आपके इंस्ट्रूमेंट को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को बचाने के लिए इफेक्ट ना पड़े स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट को शील्डिंग करते हैं। ये रहा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग पीएमसी इंस्ट्रूमेंट। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके ओके फ्रेंड्स, बाय।